तो सारा देश का सिस्टम चरमरा सा जाता है, बवाल खड़ा हो जाता है देश के अंदर। लेकिन हमारे देश में हजारों लाखों वर्षों से दलित समाज, महादलित समाज के ऊपर जो ये ब्राह्मण समाज के लोग अत्याचार करते आए, उनको शिक्षा से वंचित किया, उनके हक अधिकार से वंचित किया, इसके ऊपर कौन सी फाइल बनी है भारत के अंदर, इस पे भी जिक्र होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए इस पे जिक्र? हजारों वर्षों से ब्राह्मण समाज, दलित समाज के ऊपर, यानी फॉरवर्ड समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, इनके ऊपर अत्याचार, इनसे भेदभाव जो भारत में पैदा किया, इसका हिसाब किताब कहां? अभी कुछ ही दिन पहले गुजरात के अंदर एक दलित समाज का व्यक्ति मिलिट्री में होते हुए घोड़ी चढ़ के जा रहा था, उसको घोड़ी से उतार दिया जाता है, इसके ऊपर कौन सी फाइल बन रही है भाई? भारत में मोदी जी का शासन है, हिंदू का शासन है भाई, मैं हिंदू से ही सवाल पूछ रहा हूं। अभी एक और व्यक्ति की राजस्थान के अंदर हत्या कर दी गई है, वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ऊपर भी प्रश्न उठता है। सिर्फ मोक्ष रखने से यदि किसी की हत्या हो रही है हमारे देश के अंदर, तो हमारे देश के अंदर क्या हिंदुत्ववादी और कौन से संगठन किस चीज की वर्चस्व चाह रहे हैं, ये अगड़ी जाति के लोग, आप समझ में आ रहा है? और आखिर जम्मू कश्मीर जैसे एक स्वर्ग जैसा देश में सिर्फ शेख पठान और ब्राह्मण, सिर्फ दो तीन कास्ट क्यों, बाकी जाते क्यों नहीं? क्या प्रश्न है? दलित, महादलित, ओबीसी, मुसलमान में भी छोटी मोटी कास्ट है, जुल्हा है, फकीर है, ये सब का जिक्र कहीं नहीं आता। बस मैं पठान हूं, मैं पठान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, अच्छी अच्छी जगहों पे क्यों? हजम होगी ये बात है? ये सोचने का विषय है। और क्यों जम्मू कश्मीर फिल्म को बनाया गया? आखिर गुजरात के ऊपर भी तो एक किताब के ऊपर अभी वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी जी ने बैन लगाया है कि गुजरात का 2002 का दंगा नहीं दिखा सकते, आप जनता को सच नहीं बता सकते, जो हम बता रहे हैं वही सिर्फ बताओ। उत्तर प्रदेश पे मैंने कहा था फिल्म बननी चाहिए, 2 बजे रात को फिरे दलित लड़की के साथ रेप। अरे और तो और छोड़ो, मैं मधुबनी जिले से हूं, बिहार। अभी 10 दिन पहले बस स्टैंड के ऊपर एक दलित महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है बस स्टैंड के ऊपर। क्या है सिस्टम हमारे देश में? एक तरफ हम दुर्गा पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, सरस्वती पूजा करते हैं, नारी दिवस मनाते हैं, दूसरी तरफ नारियों की सामूहिक बलात्कार होता है हमारे देश के अंदर। गजब का है ना भारत देश। दूसरी बात एक और, माननीय प्रधानमंत्री से संबंधित ईवीएम पूरा देश हल्ला करता है, और वो हल्ला करने वाले में भारतीय जनता पार्टी के महान नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल हैं ईवीएम का विरोध करने में, और यदि सत्ता में जब नहीं थे नरेंद्र मोदी तो ईवीएम का विरोध करने में नरेंद्र मोदी भी हैं। इनका भाषण है कि दुनिया के पढ़े लिखे मुल्क भी अमेरिका जैसा, जापान जैसा, चीन जैसा, ये भाषण में कहा है, ऐसे देश, पढ़े लिखे देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते। तो जब आपकी सत्ता आई है नरेंद्र मोदी जी, तो ये भारत को क्या कहना चाहते हैं कि भारत एक मूर्खों का देश है इसलिए यहां ईवीएम फिट बैठता है? हम जितना मर्जी मान ले, चित भी आपकी, पट भी आपकी। अभी तो देखा जाए वर्तमान के अंदर तो पूरे भारत में सिंगल इकलौती पार्टी और आप हैं सिंगल ईवीएम के समर्थक, बाकी तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको लाभ ईवीएम से पहुंच रहा है, तो ईवीएम ठीक है, लेकिन आप ही का भाषण है,
अब मैं फिर बार बार बोलूंगा तो ये अंधभक्त की गांड में मिर्ची लग जाएगी कि भैया आखिर नरेंद्र मोदी जी पिछवाड़े से बोलते हैं कि अगाड़ी से बोलते हैं, इन्हीं के भाषण है भाई, मेरे कोई थोड़ी है, मैंने कोई थोड़ी बोला है। तो मोदी जी बोले हैं इलेक्शन से पहले, तो चुनाव जीतने से पहले कुछ और भाषण, चुनाव जीतने के बाद कुछ और भाषण। इसलिए नेताओं का कोई चाल चरित्र कुछ होता ही नहीं है, और मोदी का तो खास तौर से नहीं है। वैसे भी भक्तों की अम्मा के लिए आज से मोदी जी ने एक गिफ्ट दिया है, 50 रुपए का एलपीजी फिर बढ़ गया, एक सिलेंडर के ऊपर घरेलू 50 रुपए अब्बा ने बढ़ाया है, अम्मी जान खुश हो जाएंगी, अम्मी खुश हो जाएंगी भक्तों की, बढ़ाए जाओ बढ़ाए जाओ, भक्त की अम्मा को खुश करे जाओ करे जाओ, क्योंकि अब्बा श्री है पापा श्री, पापा जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।